नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे। और मैं मनोज पंडित। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में लेकर आए हैं, अगर आप 10th और 12th की एग्जाम पास कर चुके हैं तो आप इन फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं। आप किस तरह से बच सकते हैं, कौन से फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपको कभी भी कॉल करके आपको कोई भी आपको कॉल करके आपको फंसा सकता है उस जाल में। वो कौन सा जाल है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों हम ऐसे जाल के बारे में बात करने वाले हैं, नेटवर्किंग। हाँ दोस्तों, हम नेटवर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, उसे लालच देकर उसे फंसाता है नेटवर्किंग में। वो किस तरह से अप्रोच करता है लोगों को, मैं इस वीडियो में सारे कुछ बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आप समझ पाएंगे। पहले आपको कोई किसी भी दोस्त को आपको फंसाएगा, जो सबसे कमजोर दोस्त है उसी को सबसे पहले फंसाएगा। बोलेगा कि आप 10,000 दीजिए, आपको हम जॉब दिलाएंगे कंप्यूटर का, वह रांची में, पटना में, जमशेदपुर में, या कहीं भी शहर का नाम बताएगा, वो शहर में आपको हम काम दिलाएंगे। वहां पे आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ फाइल का काम करना है और कंप्यूटर चलाना है, ऐसा काम करना है आपको, और महीने में आपको 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे। दोस्तों यह आपको घूस के तौर पर पैसे मांग सकते हैं, यह बोलेंगे कि आपको कुछ एडवांस पैसे जमा करने पड़ेंगे इस कंपनी में, जिसके बाद आप उसमें जॉब कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी जिसको बोलते हैं, उसके तौर पर आपको आपसे ले सकते हैं। मतलब आपसे किसी भी तरीके से 20,000 50,000 रुपया आपको लेकर के आपको नेटवर्किंग में आपको ज्वाइनिंग करा देंगे, और उसके बाद आपको वहां पे ले जाकर के इंटरव्यू दिलाएंगे, और इंटरव्यू भी लेंगे वही सारे लड़के लेंगे जो वहां पे नेटवर्किंग में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनी है, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। आप नेटवर्किंग कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़े हैं। और अगर आप अच्छे तरह से जानना चाहते थे, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनी आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप देख लेंगे कि कौन कौन से नेटवर्किंग कंपनी अभी चल रहे हैं टॉपर पे। तो उस तरह से आप लड़के को फंसाते हैं। अगर आप 10th और 12th में है तो आप इससे बच जाइए, क्योंकि 10th और 12th लोग ही फंसते हैं इसमें, क्योंकि जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 10th 12th को पास कर लेते हैं, क्योंकि वह इस समस्या को झेल करके पार कर चुका होता है। और नए लड़के को सोचता है कि जैसे हम 12th पास किए वैसे ही हमें काम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और सब लोग यही सोचते हैं कि हमने पढ़ाई की है तो इसके मतलब कुछ कमाना है। तो उसे वही लालच दे करके उसे फंसाता है, और उसे फंसाने के बाद वहां पे 2-3 महीने रखते हैं। 2 महीने में उसे पता चल जाता है कि ये नेटवर्किंग कंपनी है, उसे बता दिया जाता है 1 महीने के अंदर में। अगर वो लड़का चाहता है नेटवर्किंग में काम करने के लिए तो वह फिर रह करके काम करता है, अगर नहीं चाहता वो लड़का तो उसी दिन वहां से वो निकल जाता है और उसका पैसा वहां पे बर्बाद हो जाता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग खराब है, लेकिन ये तरीका जो है वह तरीका खराब है। आपके दोस्त को पहले एक फंसाएगा, इसके बाद उसके माध्यम से आपको कॉल करेंगे, आप उससे उसी से कॉल करवाएगा पहले कि अपने दोस्तों के पास, सभी के पास कॉल करो और उसे फंसाओ। तो उसी तरह से आपको कॉल करेगा, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, 10,000 20,000 50,000 जो भी बोले वो, कि यहाँ पे आप यहाँ पे हमें सैलरी दे रहा है 20,000 रुपया 50,000 रुपया 50,000 रुपया, हमें हम मंथली रुपये दे रहे हैं। तो वह लालच में आ जाता है कि वो कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता है, और वो दोस्त को ही फंसाता है। अधिकतर नेटवर्किंग में जितना भी जाइए, अगर आपके रिलेटिव में कोई लड़का है तो आप उसी को ही फंसाएंगे पहला नंबर में, उसी को आप ज्वाइनिंग करवाएंगे। नेटवर्किंग एक ऐसा चीज है जो आप अपने भाई बहन सभी को जोड़ लेंगे उस पे नेटवर्किंग में, क्योंकि उसमें अपना प्रॉफिट देखेंगे, जिसके कारण आप उसे भी जोड़ लेंगे। उसी तरह से आप सभी दोस्त को कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद कोई ना कोई दोस्त फिर फंस जाएगा आपके चंगुल में, फिर आ जाएगा वहां पे आने के बाद फिर आप उसे बताएंगे 1 महीने के बाद। दोस्तों ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका से अप्रोच करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नेटवर्किंग कंपनी है या हमें काम दिलाने के लिए ये ले जा रहे हैं। वहां पे जाने के बाद ये आपको पता चलेगा, और जाने के बाद दोस्तों आपका पैसा तो बर्बाद हो चुका है। इसके बाद आपका दिमाग पूरा आउट माइंड चला जाएगा। अगर आपने कुछ सोचे हैं अच्छे जीवन में के लिए, आप कुछ सपना होगा, तो वह भी सपना धीरे 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 कमजोर होता चले जाएगा। तो दोस्तों इससे आप सावधान हो जाइए, आप बचिए,
अगर कोई भी दोस्त कॉल करे कि हम आपको काम लगा देंगे, आपको 20,000 रुपये देना है, 50,000 रुपये देना है, सिक्योरिटी मनी पहले देना है, और इसके बाद आपको कंप्यूटर का जॉब दे दिया जाएगा या ऑफिस का कोई भी काम है, ऑफिशियल काम है, आपको दिया जाएगा, तो उस तरह से आप ना फंसे। आप उसे उसके बारे में पूछे, उसके बारे में कौन सी कंपनी है, उसके बारे में वो नहीं कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। बहुत सारे मोटिवेशनल चीज आपको सुनाएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत तरीका अपनाएंगे, हमेशा आपको कॉल करेंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर कॉल करेंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर कॉल करेंगे, महीने के बाद कॉल करेंगे, जब तक आप वो लड़का जब तक वहां रहेगा तब तक आपको फंसाने का पूरा कोशिश करेगा। अगर आप फंस जाते हैं तो उसके लिए एक अच्छी बात है, फिर आपके माध्यम से फिर दूसरे को फंसवाएंगे। उसी तरह से आपका नेटवर्किंग का जाल जो होता है वह धीरे 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 उसका जो विस्तार होता जाता है, तो इस तरह से नेटवर्किंग का काम होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्किंग में जुड़े तो आप जाइए नेटवर्किंग में, अगर आप डायरेक्ट बोल देते हैं तो बहुत लड़का से ज्वाइनिंग करना नहीं चाहता है, उसी तरह से फंसाता है नेटवर्किंग में। पहले अगर आप उसको पता चल जाए कि हमें नेटवर्किंग में ले जा रहा है, उसे नेटवर्किंग में काम करवाना है, आदमी को जोड़ना है, उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो वो लड़का कतई नहीं जाएगा वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि उसका जो सोच रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। उस समय वो चाहता है कि कुछ हम अलग करें, पैसा कमाए, ज्यादा कमाए, और नेटवर्किंग में नहीं फंसेगा। अगर कोई लड़का अपना दिल से चाहे नेटवर्किंग में जाने के लिए, तो आप उस तरह से जा करके आप वहाँ अच्छे खासे कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वही काम करना पड़ेगा आपको, सभी लड़के को जोड़ना पड़ेगा धीरे 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 करके, जब तक आपका टीम बड़ा नहीं होगा तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक दोस्त था, उसका नाम है, हम उसका नाम नहीं बता सकते, वो दोस्त गया पटना, पटना पे वहां पे कुछ दिन रहा, उसके बाद हमें कॉल किया, कॉल के आ जाइए हमारे यहाँ, आपको हम कंप्यूटर का काम दिलाएंगे, ऑफिस का काम है, हम काम कर रहे हैं, हमें 20,000 सैलरी मिल रहा है। तो हमने उसको पूछा कौन सी कंपनी है, तो उसने कंपनी के बारे में नहीं बताया कि आप आइए नहीं, इसके बाद सारा कुछ हम बता देंगे, लेकिन आपको 20,000 रुपये जुगाड़ करके लेते आना है साथ में। तो बोला कि मेरे पास तो पैसे 1 भी रुपये नहीं, उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो उसके बाद उसने करीबन मान लीजिए कि 10 से 20 बार कॉल किया और बहुत सारे मोटिवेशनल चीज बताए, बहुत सारे तरीका अपनाए, लेकिन हमने उस पे गौर नहीं किया, उसको सारा इग्नोर करते गया। वह दोस्त फिर घर आया और घर आने के बाद वो बताया कि हम नेटवर्किंग में काम कर रहे थे, वहां पे छोड़ करके फिर हम आ गए। तो दोस्तों ये हाल है जिसको पता है नेटवर्किंग के बारे में उसको, अगर आपको नहीं पता है नेटवर्किंग के बारे में, अगर आप वहां पे न्यू में जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट कर दीजिए। आप अगर फंस चुके हैं तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपका क्या इफेक्ट था उस समय का। अगर आप नहीं फंसे हैं तो दोस्तों आप सतर्क हो जाइए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।